नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ। और अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि यहां पर स्टूडियो में पहुंच चुके हैं वो चेहरा जिसका इंतजार आप कर रहे होंगे। जी हां, हमारे साथ प्रदीप गुप्ता, सीएमडी एक्सिस माई इंडिया के। अपने तमाम कागजात लेकर फोल्डर में आ चुके हैं, आंकड़े उनके पास हैं, अभी वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ ही लम्हों का इंतजार है कुछ और आंकड़े जुटाकर, क्योंकि अभी भी वोटिंग चल रही है। बता दें आपको, शाम 5 बजे तक का आंकड़ा उत्तर प्रदेश के सातवें चरण का क्या कह रहा है। 54.18% यहां पर वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार सातवें फेज में 59.67% वोटिंग हुई थी। अभी इंतजार करना होगा, अभी थोड़ा सा और है, थोड़ी देर में वोटिंग की का वक्त खत्म होगा और उसके बाद से आंकड़े एक के बाद एक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बरसने लगेंगे। ये देखिए, आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़, भदोई, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी में बता रहे थे हमारे सहयोगी, पहले वोटिंग पीछे चल रही थी, अभी तक चंदौली में सबसे आगे 59.54% है, जो कि पिछली बार के करीब है, लेकिन अभी भी वोट करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। वोटिंग इस वक्त चल रही है और कुछ ही देर बाद आप देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आंकड़े। तो प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, आंकड़े कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं। तमाम अन्य मेहमान भी, क्योंकि अब राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, किसका होगा राष्ट्रलक में, लेकिन अब बारी है कि आपको ले चलें जरा लक्ष्मण झूला पर। और अर्पिता हमारी सहयोगी हमारे साथ उत्तराखंड का समरी पूरा बताने के लिए पहुंच चुकी है, जल्दी से आपके पास आते हुए अर्पिता, बहुत सारे सवाल है वहां पर लेकर। हमारे पॉलिटिक्स में देखिए, धामी को युवा चेहरा कहा जाता है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तीन चेहरे आपने बदले, वो इम्तिहान है। वोटिंग लगभग बराबर दोनों बार में हुई है, क्या कुछ इस बार, और हरीश रावत क्या कुछ कर पाए? देखिए, एक तरफ जो ये आप बड़ी बात कह रही हैं, एक तरफ कौन है युवा चेहरा है और दूसरी तरफ अनुभवी चेहरा है। हालांकि कांग्रेस को बहुत खुलकर चेहरे के तौर पर हरीश रावत को नहीं उतार रही है, लेकिन फिर भी चेहरे दो दमदार हैं। अब जनता क्या सोचती है वो अगर हम वोटिंग पर्सन से देखें, तो पिछली बार जो महिलाएं थीं वो बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने पहुंच रही थी, इस बार भी तकरीबन स्थिति कुछ ऐसी रही है। खासतौर पर खटीमा सीट, पुष्कर सिंह धामी वाली सीट, वहां पर पिछली बार 76% मतदान हुआ था और इस बार 77%, यानी 1% की बढ़ोतरी हुआ। वो 1% बढ़ोतरी क्या रंग लाती है, किस तरीके से वहां माहौल बनता है, वो दिलचस्प। आपको याद है क्या कहा था राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी के बारे में? वो जो फिल्म थी पुष्पा, फायर फ्लावर फ्लावर समझे क्या, फायर है। तो अब ये फायर कितना, मतलब उसको अगर फ्लावर नहीं फायर है ये अब इन स्टार प्रचारकों के लिए भी इम्तिहान है अर्पिता, क्योंकि राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, वैसे तो पूरा जो बैंड वैगन होता है केंद्रीय मंत्रियों का हर राज्य में पहुंचता है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत मेहनत कराई गई है इन मंत्रियों से। लेकिन यहाँ एक भी चीज अंजना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर हर बार सत्ता परिवर्तन होता है और अगर राजनीतिक दल को ये पता है कि हर बार सत्ता परिवर्तन होगा तो उनमें भी जोश बढ़ जाती है। जाहिर तौर पर कांग्रेस उस वक्त पूरे हौसले से लड़ती हुई नजर आ रही है, ये कह रही है कि भैया इस बार देखिए सत्ता परिवर्तन तो इतिहास रहा है यहाँ का। और एक और दिलचस्प बात अंजना, पिछली बार जो 70 में से 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी वो भी इतिहास था। पूरी मतलब अगर उत्तराखंड की राजनीति देखें तो कभी भी किसी भी दल ने इतनी से वहां पर ये स्थिति नहीं। वहां का तो इतिहास ये रहा है कि भाई वहां पर तो सीएम कैंडिडेट जो होता है वो भी हार जाता है कई बार, सिटिंग सीएम हार जाता है। तो वहां इस तरीके से सत्ता परिवर्तन कई बार जनता इस मूड में होती है और बहुत 19-20 का खेल रहता है। अगर आप वोटिंग परसेंट में भी देखिए तो तकरीबन 64.65% और 65%, यानी 1% का मार्जिन, बहुत कम अंतर आप देखेंगे यहाँ रहता है, यानी जनता बहुत क्लियर रहती है। तो यूपी के अलावा उत्तराखंड एक और राज्य जहाँ पर सत्ता अगर परिवर्तित होता है तो रिकॉर्ड बनाएगी, अगर बीजेपी बना पाती है तो। ये भी एक रिकॉर्ड होगा, बड़ी लड़ाई है दोनों ही जगहों पर। इससे पहले दो दो मुख्यमंत्री और रहे, लेकिन कुछ बयान फटी जींस पर, कभी कुछ बदलना पड़ा। धामी साहब को इतना टाइम मिला क्या कि वो अपना इम्पैक्ट दिखा सके, कुछ काम दिखा सके? पुष्कर सिंह धामी एक चेहरे के तौर पर आप कह सकती हैं कि जो वहां महाप, क्योंकि हर बार सत्ता अगर परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी, उसको दूर करने के लिए पुष्कर सिंह धामी को ऐन वक्त पर लाना, जाहिर तौर पर इसीलिए लाया भी गया होगा और यही प्रयोग कह सकते हैं। अब ये प्रयोग कितना फायदेमंद रहता है बीजेपी के लिए इतिहास बदलने के लिहाज से देखना होगा अंजना। बहुत मजेदार था लेकिन वो जब राजनाथ सिंह, सोचिए देश के रक्षा मंत्री, वो वहां प्रचार के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी फ्लावर नहीं फायर है। तो ये रंग चढ़ता है फिल्मों का। धन्यवाद आपका हमारे साथ अर्पिता जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड का नजारा आपने देख लिया है, कुछ इसी अंदाज में जब आंकड़े प्रदीप जी रखना शुरू करेंगे
तो हम आपके सामने एक एक करके राज्य दर राज्य आंकड़े रखेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तमाम अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि शुरुआत हम पंजाब से कर रहे हैं और पंजाब के आंकड़े आपके सामने आएंगे। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। इन सब के साथ हम तस्वीर को भी समझेंगे, आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आप दोनों का, बहुत लंबे अरसे के बाद बातचीत हो रही है लेकिन आज आप सबकी भी नजरें प्रदीप जी पर टिकी हुई हैं। प्रदीप जी चलिए एक दो ऑब्जेक्टिव लाइन क्वेश्चंस आपसे पूछ के समझते हैं कि हवा क्या बह रही है। सरप्राइज आएगा आंकड़ों से आपके, सरप्राइज आएगा जनता के लिए या फिर हा? कोई भी चुनाव अंजना जी चार बातें होती है, दावे वादे मुद्दे इरादे। दावे जो सरकार है मौजूदा सरकार वो दावे करती है कि ये किया वो किया, जो इनकम चैलेंजर है जो सामने विपक्ष है वो बोलता है कि हम ये करेंगे, और कुछ मुद्दे होते हैं जैसे बेरोजगारी महंगाई इस तरह के तमाम मुद्दे, और इन सब को ध्यान में रखते हुए जनता अपने इरादे बताती है। अभी नेता में से कोई ना कोई बोलेगा कि दावे तो आप ज्यादा करते हैं, पोलस्टर हैं आप, कितना कॉन्फिडेंट है आपने, ऐसा क्या एक्सटेंसिव मतलब तो पांच बड़ी बातें जिससे आप ये कन्विंस कर सके हमारे लोगों को कि आपके पोल पर वो भरोसा करें। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताइए और जिस एक्सटेंसिवली आप ये पोल करते हैं वजह भी पूछते हैं। देखिए किसी भी उत्पाद की विश्वसनीयता जो है उसके ट्रैक रिकॉर्ड जैसे आपने कहा उस पर होती है, तो एक्सिस माई इंडिया ने अभी तक टोटल 2013 से लेके आज तक जो है 52 इलेक्शंस का प्रिडिक्शन किया जिसमें से 48 सही रहे और 4 गलत हुए। बड़ी बात यह है कि 4 में से पिछले 2 हैं अभी लगातार गलत हुए, एक बिहार और उसके बाद बंगाल। लेकिन बंगाल की भी बात करें तो 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे उसमें से बंगाल गलत हुआ, 4 सही हुए थे। प्रदीप जी के साथ मेरा एक सीधा से सवाल आपसे है, जरा मन में आ रहा है क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी, देखिए 100 दिनों से ज्यादा की रिपोर्टिंग उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाकर जब मैंने की अलग अलग हिस्सों में जाकर, वहां पर स्थिति ऐसी थी वोटर आधे घंटे पहले कुछ और बोलता है आधे घंटे के बाद कुछ और बोलता है, आदमी कंफ्यूज कि ये जाएगा कहां पर। और यही स्थिति बिहार में भी, जब बिहार को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे क्योंकि उसने कैमरे के सामने कुछ और बोला और वोट कहीं और जाकर दिया, क्या उत्तर प्रदेश के भी बड़े हिस्से में इस तरह की तस्वीर आपको नजर आई है? देखिए बिल्कुल सही कहा चित्रा जी आपने कि लोगों से किस तरह से, यदि आप पब्लिक में उनसे बात कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा बिल्कुल उसकी संभावना है। हाँ। क्योंकि वो चारों तरफ का माहौल देख के आपको बताते हैं, वो जो भी बताते बिल्कुल हैं। इसीलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि जब चुनाव हो गए, जैसे उत्तराखंड की बात करें पंजाब की बात करें, तो उसके दूसरे दिन से हम अपनी जो है पोलिंग चालू करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि एकांत में उससे चर्चा की जाए। चलिए ये सबसे बड़ा राज आज आपने अपना बता दिया कि एकांत में आप बात करते हैं वोटर से जी। तो इससे आपको लगता है कि उसकी सही तस्वीर आती है। जल्दी जल्दी से रिएक्शन सबसे लेते हैं, दिल थाम कर मैं आपके साथ गौरव भाटिया जी शुरुआत करी। रमेश खान साहब भी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया जी कितने राज्य, 4 आपके हैं अभी सरकार, आपके लिए लड़ाई है, कहां कहां पर दावा ठोक रहे हैं? देखिए अंजना जी सर्वप्रथम तो ये कहेंगे कि 2 महीने का करीब करीब अथक परिश्रम हमारे नेतृत्व और जो सर्वोच्च नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों में और तमाम कार्यकर्ताओं ने किया है। और अब वो समय आने वाला है कि हमने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से लिख दी है, 10 तारीख को पता चलेगा नतीजा क्या आएगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है ये हमें बिल्कुल लगता है। और 4 प्रदेशों में जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सरकार पुनः बनाएंगे और पंजाब में भी ऐतिहासिक जो नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के तौर पर उभरेगी। मैं एक बात जरूर कहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्योंकि वहां से आता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है मैं लौटूं सर, जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं क्योंकि हमें गोवा भी चलना है शुभांकर के पास, मैं लौटूंगी। छोटा छोटा कमेंट जरा इसको फास्ट पेस रखते हैं जल्दी से। संजय जी आपसे कमेंट, वो तो पंजाब पर भी दावा ठोक रहे हैं। ये तो 1 घंटे बाद पता चल जाएगा अगर एग्जिट पोल सही निकले तो, लेकिन ये बात सही है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी और भारतीय जनता पार्टी की पूरा नेतृत्व और पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और सारे मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश हो या गोवा हो या उत्तराखंड हो या फिर मणिपुर हो या पंजाब हो, सब जगह उन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है, मेरा अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त जनादेश आ सकता है, क्योंकि पंजाब में मैं खुद 15 दिन वहां पे था और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा उनकी कोई जमीन भी नहीं है, वो अकाली दल के साथ थे, अकाली दल ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो इसलिए पंजाब में तो मैं नहीं देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी जो खबरें आ रही है, जो जानकारी आ रही है, उससे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो रही है। गोवा में जो हमको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घर आपस में एकदम बिखरा हुआ है, उनके अंदर जो इतनी सिरफुटवल हुई है कि लगता नहीं कि वो आ पाएंगे। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, लगातार 3 चीफ मिनिस्टर बदलने के बाद लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, जिसकी वजह से वो किस मुंह से वोट मांग रहे थे, या फिर जन सामान्य ने या मतदाताओं ने उनके वोट मांगने की जो एक होती है क्रीडेंशियल्स होती है, उन क्रीडेंशियल्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है पूरी बहुमत के साथ, तो एक अच्छा जनादेश आ सकता है कांग्रेस के हक में, ऐसा आपको मोटा मोटी तौर पर दिख रहा है, बगैर एग्जिट पोल या बगैर नतीजे जाने हम एक अंदाज के आधार पर आपके सामने। एमएस खान साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, यूपी को लेकर बड़ा दावा आप लोगों की ओर से भी किया जा रहा है, लेकिन बीएसपी की स्थिति क्या रहेगी इस बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके पहले जरा गोवा चलते हैं। गोवा में बड़ा दिलचस्प रहा था 2017 का आंकड़ा, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 17 सीटें जीतकर कांग्रेस, 13 सीटों पर थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद वहां पर सरकार बना लेती है बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर। शुभांकर हमारे साथ गोवा से मौजूद है और शुभांकर बिल्कुल गोवा वाले स्टाइल में भी आप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अंदाज आज आपका। देखिए चित्रा, आपने बताया था कि आपको गोवा आने का बहुत मन था और जब यहाँ पहुंची आप जी, तो आपको बता दें कि राज्य भले ही छोटा हो लेकिन छोटे राज्य की खासियत ये होती है। मैं तो पहली बार गोवा आ रही हूँ तो आप और हम जब पहली बार गोवा में साथ है तो देशवासियों को बता दें कि राज्य भले छोटा है देश का, लेकिन यहाँ की सियासत बड़ी जबरदस्त है। अब आलम ये समझिए, 17 सीटों वाली कांग्रेस के पास आज केवल 2 विधायक बचे, तो यहाँ की जो राजनीति है वो कई मायनों में अलग है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता यहाँ पहुंचते हैं तो वो भी पहुंचते हैं, जिन्होंने बंगाल में रहा था, दिल्ली में रहा था, वो भी सारी कोशिश करते हैं। वोट परसेंटेज वैसे माहौल पूरा है यहाँ पर, नहीं, समंदर आप, और आपको देख के नजर भी आ रहा होगा बिल्कुल। तो देखिए गोवा में मौजूद है आप, यहाँ बीच पर मौजूद है, समंदर का इलाका है, लेकिन किनारे पर कौन पहुंचेगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 90% वोट सीएम की सीट पर पड़ा है। ओवरऑल वोट परसेंटेज प्रमोद सावंत 80%। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह फोन किया था उनको जिस दिन पोलिंग हो रही थी 14 फरवरी को जी। तो ये जो 14 फरवरी वाला प्यार है वैलेंटाइन डे का, वो आपको लग रहा है कि गोवा में प्रमोद सावंत को मिलेगा या फिर बाजी इस बार पलट जाएगी? अब देखिए यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, क्या आलम यहाँ पर था, जैसे हमने कहा 40 सीटें हैं, लेकिन राह इतनी आसान नहीं रहने वाली चित्रा, क्योंकि जो मुश्किल है वो बहुत ज्यादा है। 40 सीटों पर वोट परसेंटेज जो है बढ़ा चढ़ा करे 79.61, सीएम की सीट पर मैं खुद बता रहा हूँ कि वहां पर ऑलमोस्ट 90% वोट पड़ा है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन आप गोवा को समझिए, मनोहर पर्रिकर के लड़के सामने लड़ते हैं, 6 बार से पिता विधायक थे, कांग्रेस युक्त भाजपा यहाँ पर है, 9 विधायकों के साथ जो डिप्टी सीएम की पत्नी पहुंची वो बगावत करके बैठी है, लक्ष्मीकांत पार्सेकर जिन्हें मनोहर पर्रिकर के बाद गद्दी मिली थी आज वो बाहर बैठे निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आपस में इतनी ज्यादा सियासत है। जैसा शुरुआत में हमने कहा कि छोटा राज्य है, मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी से वो चुनावी मैदान में है, उनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है, और बीजेपी छोड़कर उन्होंने निर्दलीय अकेले, क्योंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था इस बार। अब देखिए बड़ी बात यह कि नतीजे क्योंकि आने वाले चित्रा, उससे पहले आप मनोहर पर्रिकर के बेटे की आप बात करेंगे, 6 बार पिता विधायक रहे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि केवल पिता बड़े नेता थे, इस मायने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात कर ले, शिवसेना की बात कर ले, हर कोई कह रहा है कि इन्हें वोट देना चाहिए, लेकिन वहां पर लड़ कौन रहा है, जो कांग्रेस से आए थे, तो वो कह रहे हैं कि देखिए अवसरवादी राजनीति को बढ़ा दिया, मेरे पिता की विरासत थी, आपने उस पर डेंट मारा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के साथ हो गई। ऐसा क्या है शुभांकर, हमारे दर्शकों को बताइए, इतने बढ़ चढ़कर यूपी में देखा जाए वोट प्रतिशत कम है, पंजाब में वोट प्रतिशत कम है, उत्तराखंड में पिछले बार की तरह, लेकिन गोवा में बहुत बड़ी आबादी वोटिंग करने के लिए जाती है, तकरीबन 80% के आसपास। गोवा में ऐसा क्या है कि वोटर्स को वो पोलिंग बूथ तक लेकर खींच कर लेकर आता है? देखिए एक तो सब छोटा राज्य है, बहुत छोटा राज्य, केवल 2 जिले पड़ते हैं, फिर आपने मेरी छोटा राज्य पैसे बहुत है, आपने मेरी वेशभूषा देख के समझ लिया होगा, लोग काफी चिल्ड रहते हैं वहां पर, तो वो चिल जो है वो हर चीज में रहते हैं, चाहे वोटिंग करने के दौरान हो, बढ़ चढ़ कर निकलते हैं, उसका भी वो आनंद लेते हैं, और यही वजह है कि सीएम की सीट पर 90% वोट पड़े। गोवा का आंकड़ा कितने देर में बताने वाले हैं आप? 7:20 के आसपास, ये मान लीजिए अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा और हाँ, लेकिन ये है कि यहां के नतीजे हैरान करने वाले होंगे और बीजेपी पर इसकी खास नजर होने वाली, क्योंकि देखिएगा यह लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीजेपी बहुत ज्यादा है। चलिए शुभांकर के पास मैं फौरन लौटूंगी, अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे स्टेज पर। कुल मिलाकर गोवा की स्थिति भी इस बार की बेहद दिलचस्प रहने वाली है, आपको बताते चले, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से ताकत झोंकी हुई है,
मुख्यमंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है कि 22 सीटें 40 में से हम हासिल कर लेंगे। पिछली बार सिर्फ 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 17 पर कांग्रेस थी। इस बार तो कांग्रेस ने चुनावी नतीजों के ठीक पहले अपने बड़े बड़े नेताओं को भेज दिया है अलग अलग हिस्सों में कि जाइए और वहां पर बचाइए अपनी सरकार। अगर वहां पर आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो भी जाते हैं तो मेल मिलाप करके, चूंकि बीजेपी ने एक बड़ी लकीर इस पूरे मामले में खींच दी है। त्रिवेदी जी कुछ कमेंट करना चाह रहे थे गोवा पर, ऑन कैमरा नहीं करना है संजय जी, ऑन कैमरा भी वही बात है, संजय जी भी इस पर बोलेंगे। मैं केवल इतना सा कहना चाह रहा था कि गोवा बीजेपी सजग रहती है, सतर्क ओवर सतर्क रहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी गोवा के चुनाव नतीजों के लिए प्रदीप जी का इंतजार मत कीजिए, जो भी नतीजे आए उसके बाद इंतजार कीजिए कि किसकी सरकार बनेगी और जिसमें बीजेपी बाजी मार लेगी। क्या सरप्राइज हो सकता है प्रदीप जी? गोवा की बात करें तो देखिए है तो सबसे छोटा राज्य 40 सीटें, लेकिन दावेदार यहाँ 6 है। हाँ। सबसे बड़ी थी, अब किसको क्या मिलेगा? इस बार तो ममता बनर्जी ने पूरी सड़कों पर वहाँ पोस्टर्स अपने भर दिए थे, आम आदमी पार्टी ने भी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आप और आरजीपी, मनोज परब की आरजीपी है, वो भी अच्छे खासी दम रखती है सभी 40 सीटों के ऊपर। ये छोटी छोटी पार्टियां किसका खेल बनाएंगी? अब कुछ देर का इंतजार है, 13 हो चुका है, 6:13, 17 मिनट का इंतजार है और उसके बाद एक एक करके ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं। संजय जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? संजय जी जल्दी से बोल लीजिए, फिर खान साहब की बारी होगी, क्योंकि हम पंजाब के साथ शुरुआत करेंगे लेकिन गोवा पर मुझे लगता है आप कमेंट करना चाह रहे हैं। संजय जी देखिए, गोवा में एक समय मैंने बहुत काम किया है, गोवा को मैं थोड़ा सा समझता हूँ। गोवा एक छोटा प्रदेश तो है लेकिन बड़ा कल्चर्ड, बड़ा एजुकेटेड किस्म का प्रदेश है। पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, उसकी वजह से पूरे 5 साल तक बीजेपी के खिलाफ एक लोगों के अंदर गुस्सा था या फिर बीजेपी के चरित्र को लेकर के एक नाराजगी थी एक प्रकार से। मुझे लगता है कि उस नाराजगी के खिलाफ इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर अन्याय किया भारतीय जनता पार्टी ने, अपनी जो संवैधानिक संस्थाएं थी उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस वजह से कांग्रेस पार्टी को एक सिंपति, एक तरह की सहानुभूति मिल सकती है, मिल रही है, ऐसा मेरा अंदाज है, ऐसे मेरे पास कुछ जानकारी भी है। तो मुझे लगता है कि गोवा एक जबरदस्त फैसला देगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में अपना चाल, चरित्र और चेहरा तीनों फिर से बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सत्ता हथियाने के चक्कर में जिस तरीके से नीचे उतर जाते हैं वो कुछ हद हो गया था। चाहे मणिपुर हुआ, गोवा, उन दोनों राज्यों ने इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक नया और विद्रूप किस्म का चेहरा देखा था। उस चेहरे में बदलाव लाने के लिए जनता की तरफ से आदेश हो सकता है। 15 मिनट का इंतजार है, अब आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। पंजाब के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं लेकिन जल्दी से गौरव भाटिया जी, एक जवाब इस पर बनता है आपका। वो कह रहे हैं जो आपने किया है वहां पर उसकी वजह से सहानुभूति में लोग दूसरी तरफ इस बार आपको बदल देंगे। देखिए अंजना जी, ऐसा है, मैं संजय जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और इन्होंने हा 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 ऐसे हंसते हुए एक बात कही, कांग्रेस पार्टी पे कुछ नहीं बोला। और हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां केवल रहे नहीं है, बचपन से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज कह रही है कि कानून का राज है। उत्तर प्रदेश की जनता दिखाएगी कि कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होगा। लेकिन आज विनम्रता से एक बात कहूंगा, गोवा में भी कांग्रेस पार्टी के विधायक क्यों चटक गए? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास नेतृत्व है, जिसके पास विचारधारा है। हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इन 2 महीनों में। हम हवा हवाई किले नहीं बनाते हैं सर, और डिटर्जेंट भी आपके पास तो, जिससे परिवारवाद भी धुल जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप भी धुल जाता है, वो भी आपके पास। अंजना जी, अंजना जी आपको याद है वॉशिंग मशीन? तो मैं बात पूरी कर लू। अंजना जी आपको याद है भाजपा के जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब वो छोड़ के गए तो ये बात तो आपका सपा का प्रवक्ता तो आ नहीं रहा आपके चैनल पे, पूछिएगा कि वॉशिंग मशीन और डिटर्जेंट पाउडर कहाँ है। हमारे पास तो विचारधारों की ताकत है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सावन जी हैं, हमारे पास पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और इसीलिए जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो उसका फल 10 तारीख को आएगा। कांग्रेस बोलेगी ईवीएम खराब है, हम बोलेंगे कि जनता का आशीर्वाद है। ये फर्क है दोनों। इस पे मैं इस पे एक जवाब दे दूं, उत्तर प्रदेश में पिछली बार बहुत काम आई थी, बहुत काम आई थी। अरे बड़ी तादाद में दूसरे पार्टी के नेताओं ने छोड़ा था। बड़ा काम आता है इनके, हर जगह धुलता है फटाक, परिवारवाद भी खत्म,
भ्रष्टाचार भी खत्म, जल्दी से खुश भी हो रहे हैं गौरव भाटिया जी इस बात को सुनकर। ठीक है, मैं लौट रही एक बार एमएच खान साहब की भी बारी हो जाए। विंडो से वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एमएच खान साहब बताइए, पंजाब और यूपी को लेकर खासतौर से जहां पर आप अपनी ताकत लगाकर चुनावी मैदान में हैं, क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? चित्रा जी देखिए, मैं तीन स्टेट की बात कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार हमारी आ रही है, पंजाब में अकाली दल और सपा बसपा के साथ मिलकर हमारा चुनाव खत्म हो गए हैं। अब तो सातवें दौर की भी वोटिंग खत्म हो गई। आप कह रहे हैं यूपी में हमारी सरकार आ रही है, तो अच्छा क्या बोल दे बता दीजिए, आप जैसा कहें वही बोल दूंगा। नहीं जो आप कहते वही बोल दूंगा। वोटिंग खत्म हो गई, थोड़ा सा व्यवहारिक, मैं कह रही थी थोड़ा सा व्यवहारिक और सच के करीब, थोड़ा सा। अरे थोड़ा सुन लीजिए, आप तो पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की नब्ज भी जानते हैं, अब आप ऐसी बातें करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सच सामने रखिए। सुन लीजिए ना, देखिए हम महंगाई में बात तो कर नहीं रहे हैं, हम गुंडा राज की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम बुलडोजर की बात तो कर नहीं रहे हैं। आपने पूछा कितनी सीटें आएंगी, उस पर जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा ही हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और मेहनत और बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद, जनता ने 2007 में देखा है शासन, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में हमारी पूर्व बहुमत सरकार आ रही है और पंजाब में भी हमारी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। दोनों राज्य पर आपने दावा ठोक दिया है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। थोड़ी ही देर में पहला आंकड़ा आपके सामने रखने वाले हैं पंजाब के। पंजाब में अब की बार किसकी बह रही है बयार, किसकी बनने वाली है सरकार, चन्नी या कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में वापसी के साथ करवा पाएंगे या आम आदमी पार्टी वहां पर बाजी मार ले जाएगी, क्या होगा कैप्टन अमरिंदर का बीजेपी के साथ मिलकर, क्या कमाल कोई कैप्टन कर पाएंगे या फिर स्थिति वहां पर धरी की धरी रह जाएगी और शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ मिलकर बाजी मार ले जाएगी। बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक मेहमानों की भी मौजूदगी है। पहला आंकड़ा बस कुछ ही देर में आपके सामने रखने वाले हैं। पंजाब 117 सीटों वाली विधानसभा में 77 सीटों पर, आपको बता दें यहां पर आप देखिए मेरे दाहिनी तरफ गोवा के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। गोवा की 40 में से कितनी सीटों पर किसको एग्जिट पोल में आंकड़े सरकार बनवाते हुए या फिर धराशायी करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मणिपुर ऊपर आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी बन जाएगी सरकार, आपको बताते चले 1985 के बाद बहुमत की किसी भी सरकार ने अपने आप को वहां पर रिपीट नहीं किया है। 2007 में बहन जी आई, 2012 में समाजवादी पार्टी और 2017 में प्रचंड तरीके से बीजेपी। क्या बीजेपी तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक बार फिर से अपनी सरकार बना लेगी या तेजी से अखिलेश जिस तरह से अपनी साइकिल दौड़ा रहे थे वहां पर स्थिति अलग हो जाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एमएच खान साहब, संजय निरुपम जी, गौरव भाटिया जी, आप टीवी स्क्रीन पर आप सभी को देख पा रहे हैं। पंजाब का आंकड़ा कुछ ही पलों में आपके सामने हम रखने वाले हैं। जल्दी से पंजाब को लेकर एक ही छोटा सा कॉमेंट सबसे पहले संजय जी आपके पास आते हुए, पंजाब में चूंकि आपकी सरकार है, इस बार की स्थिति पंजाब को लेकर आपकी क्या कहती है? संजय निरुपम, देखिए पंजाब में एक जबरदस्त कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने किया, बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड किस्म का कैंपेन था। ये बात पहली बार पंजाब के इतिहास में एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ है। आमतौर पर वहां बीजेपी अकाली का एक अलायंस होता और कांग्रेस पार्टी, ये दो पार्टियों दो गठबंधन के बीच एक चुनाव होता था, बीच में कभी कभार बीएसपी आई थी, लेकिन पहली बार पंजाब में ऐसा हुआ है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, उसके साथ ही दूसरी तरफ अकाली दल और बीएसपी, तीसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी और अकाली दल का एक घटक, और चौथी तरफ जो है वो ये आ गए, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी वहां पर निकल के आई है। और निश्चित तौर पर मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का जोर था ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर मालवा इलाके में उनका जोर था। अब ये जोर कितना वोटों में कन्वर्ट होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन किया, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था और उस कैंपेन का नतीजा कांग्रेस के हक में होना चाहिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक मेजोरिटी के करीब रहेगी, मेजोरिटी होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो सरकार बना रहे हैं वहां पर, आप कह रहे हैं होना चाहिए, हमने अच्छा किया, हम अच्छे तरीके से, वो कॉन्फिडेंस आपका दिखाई नहीं दे रहा है पंजाब को लेकर संजय जी? नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी ने एक कड़ा मुकाबला हमको दिया, लेकिन शायद वो सरकार नहीं बना पाएंगे, सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी
एक एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। कैप्टन साहब थे, चार साढ़े चार वर्षों तक थे, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जहां भी गया लोगों ने कहा कैप्टन ने कुछ नहीं किया, कैप्टन ने हमारे ये सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमारी ये सारी समस्याओं का निदान नहीं किया, तो वो एक असर था। लेकिन चन्नी के आने के बाद एक बड़ा प्रॉमिसिंग लीडर करके वो उभर करके आए और चन्नी ने एक लोगों में उम्मीद जगाई है, होप जगाई है। मुझे लगता है कि चन्नी साहब कांग्रेस को विजय रथ पर बैठा करके आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और जिस कैप्टन को लेकर अब आप कहने लगे कि हालत खराब थी या उनकी वजह से लोगों के मन में शंसा थी, उनको पकड़ लिया गौरव भाटिया जी की पार्टी में, लेकिन अब वो बेहद करीब घड़ी, क्योंकि ठीक अब से दो मिनट बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंजाब में क्या इस बार बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है, चन्नी के चेहरे पर वोट किया है, क्या कांग्रेस पार्टी में उनका भरोसा टिका रहा? नवजोत सिंह सिद्धू ने जो आखिरी वक्त पर एक पूरा बवाल पंजाब के कांग्रेस में हुआ था, उन सब की अनदेखी करते हुए कांग्रेस में ही उनका भरोसा रखा, क्या शिरोमणि अकाली दल कुछ वापसी कर पाए? जल्दी जल्दी एक एक कमेंट इस पर लेते हैं आप सभी से। अग्निहोत्री जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए जल्दी से। नहीं नहीं, पंजाब में निश्चित रूप से चन्नी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी को एक ताकत तो मिली, लेकिन सिद्धू जी ने कुछ उसमें ऐसी लगातार जो है बैटिंग की। जीत कौन रहा है आपके हिसाब से, जल्दी से रैपिड फायर? नहीं, मुझे लगता है कि जीत कौन रहा है, ये तो पलड़ा भारी, पलड़ा कांग्रेस का भारी है मुझे लगता है। आपको लगता है कांग्रेस का? त्रिवेदी जी, पलड़ा किसका भारी? मुझे लगता है पलड़ा तो आम आदमी पार्टी का भारी है, लेकिन एक छोटी सी लाइन जोड़ दूं, कांग्रेस की चर्चा की आपने, आप कभी रेलवे स्टेशन गई हो तो वहाँ पर शंटिंग होती है, उसमें क्या होता है डबल इंजन लगे होते हैं, तो कांग्रेस के पास डबल इंजन की लीडरशिप थी, तो वो शंटिंग के वक्त क्या होता है, एक इंजन दूसरी तरफ डिब्बे खींचता है और एक इंजन दूसरी तरफ खींचता है, तो उसमें से कुछ डिब्बे अलग चले जाते हैं। हाँ। तो वो डबल इंजन की लीडरशिप जो कांग्रेस में थी ना, वो शंटिंग वाली थी। हाँ। कुछ दबल, कुछ, दबल कुछ तो डिब्बे जो है, डबल इंजन तो उत्तराखंड में भी है, कुछ डबल, कुछ जो डबल इंजन तो चार जगह, तो इनका डबल इंजन है ही, करते हैं कि चन्नी साहब जो है ना, तो वो दोनों इंजन अलग अलग तरफ खींच रहे हैं, कुछ डिब्बे किधर चले जाएंगे, कौन सा इंजन लेकर जाएगा, अलग है और अब चन्नी साहब का अलग लगता है। सर, एनालिस्ट के तौर पे बता दीजिए, मैं डबल इंजन की क्लियरिटी कर दूं। क्या है डबल इंजन का? जैसे विजय जी ने और अग्निहोत्री जी ने दो बातें बताई, तो एक डबल इंजन वो होता है जिसमें करीब 70-80 मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं, जिसको बहुत ताकत लगती है खींचने के लिए, तो डबल इंजन लगाया जाता है। और एक डबल इंजन होता है दो अलग अलग डब्बों को अलग अलग इंजन लेके जाएं अपनी अपनी रेलगाड़ी के लिए। क्या लग रहा है पंजाब में? अब 30 सेकंड का इंतजार है और 30 सेकंड के बाद पहला नतीजा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का देखने वाले हैं। इम्तिहान देखिए राजनीतिक पार्टियों का भी है, लेकिन सांसें थम रही है गुप्ता जी की भी, बार बार टेबल पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में अब आप ये आंकड़े देखेंगे। तो लिए चलते हैं आपको सबसे पहले पंजाब, क्योंकि पंजाब में जो आंकड़े आएंगे उससे एक टोन एक तरह से सेट होगा। कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदें थी उसको लेकर भी बातचीत होगी कि क्या भगवंत मान के चेहरे के साथ बड़ा कमाल कोई पंजाब में आम आदमी पार्टी कर पाई है। विक्रांत, क्या लग रहा है, क्योंकि अब बड़े आंकड़े सामने आने वाले हैं? आंकड़े आने वाले हैं और ये ब्लैक बोर्ड खाली है, मतलब वहाँ सारे नेता अपने घर में सोफा से उठ के खड़े हो गए कि आप आंकड़े बताने वाले हैं। ट्रैक्टर आएंगे अब हमारे, अब ये ट्रैक्टर आने शुरू होंगे, सबकी किस्मत का फैसला होगा। पहले हम आपको मेथोडोलॉजी बता दें, सैंपल साइज जो हमारा है 28,582 है, विधानसभा क्षेत्र सभी 117 हमने कवर की है और सर्वे हमने किया है। हमने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा वो बता रहे थे कि ये पहला आंकड़ा वोटों का अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत, बल्ला थामे हुए चन्नी साहब, लेकिन किसका लगेगा सिक्सर यहाँ पर जीत का? विक्रांत, पहला अपना ट्रैक्टर आ गया है, वोट परसेंटेज कांग्रेस का आया है, तो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज आया है, मैं यहाँ पर साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। ठीक है, ये है जी परसेंटेज 28%, तो 28% यानी कि तकरीबन 10% इनका वोट शेयर कम है पिछली बार। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे है, आपको बता दें ये हमारा अनुमान है, अभी नतीजे के लिए आपको 10 मार्च तक इंतजार करना है, लेकिन हमारे अनुमान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पिछली बार से वोट परसेंट में गिर गई है, 10% वोट इनका कम है, गिरे हैं। अगला ट्रैक्टर लाइए सामने, उसके बाद गुप्ता जी भी बताएंगे क्या कुछ ये बता रहे। वैसे तो बीजेपी सहयोगी अमरिंदर सिंह जी चला रहे ट्रैक्टर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्रैक्टर चला के लाए हैं, जल्दी से बहुत ज्यादा फसल आई नहीं, बीजेपी प्लस 7% हम अगला ट्रैक्टर लाएंगे, ये है बीजेपी, सिर्फ 7% अगला ट्रैक्टर ने फसल नहीं काटी, अच्छी नहीं काटती थी, अगला ट्रैक्टर लाओ। और मुझे लगता है यहाँ पर ये अब ये आंकड़ा आ गया है 19% वोटों का आ गया है ये
अकाली दल, अकाली दल के अकालियों ने भी सोचा था कि बसपा के साथ उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो शिरोमणि अकाली दल का आया है 19%, ये भी गिर गया 9%, ये भी गिर के जा कहां रहे सारे के सारे, कहां जा रहे सारे सारे एक ही जगह जा खेलने लगे, तुसी भंगड़ा पाने लगे, और भंगड़ा तो पाई जाएंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। अगला ट्रैक्टर जल्दी से लाइए, क्योंकि यही वो ट्रैक्टर है जिस पर सत्ता की सवारी दिख रही है, आम आदमी पार्टी भगवंत मान चला रही है ट्रैक्टर 41%, 41% यानी कि इनका भी आप देखिए 17% के करीब इनका पिछली बार से वोट शेयर ज्यादा है। देखिए वोट परसेंटेज और सीट का मामला कई बार बहुत बदल जाता है, इसलिए जल्दी से अब सीट का आंकड़ा लाना शुरू करते हैं, क्योंकि 41% यानी कि 17% के करीब पिछली बार से इनका वोट परसेंटेज बढ़ गया है। चलिए अन्य का वोट परसेंटेज भी हम दिखा रहे हैं, अन्य वोट परसेंटेज जल्दी से, मिस्टर गुप्ता जल्दी से एक सवाल, क्या हम माने कि जो वोट परसेंटेज दिख रहा है वही सीट में भी तब्दील होगा? हाँ बिल्कुल होगा, जब अंतर दो पार्टी के बीच में इतना बड़ा है तो वो जरूर सीट में और अच्छे से कन्वर्ट होगा। आम आदमी पार्टी के लोग चाय नाश्ते में लड्डू भी खा लें, आपके मुताबिक आपने दिखाया वोट परसेंटेज, सीटें देखने की जरूरत है या ऐसी अंदाजा लगा लें? जरूर जरूरत है, सीट के बिना तो सरकार बन ही नहीं सकती। चलिए जल्दी करते हैं दर्शकों को अब सीट हम दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी शुरुआत होगी कि आखिर क्या। त्रिवेदी जी जल्दी जल्दी एक कमेंट, जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। इस बात का जिक्र किया था कि बदलाव वहाँ पर दिखाई दे रहा, हवा बहुत तेज आ रही थी तो वो मुझे अंदाज हुआ, और वही जो शंटिंग वाले जो दो इंजन थे वो अलग अलग डब्बे पर सहमत है मुझे लगता है। आपने कहा था कि कांग्रेस का आपको वहाँ पर, अभी गुप्ता जी के आंकड़ों को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मेरा अपना ये था कि चूंकि कांग्रेस ने वहाँ एक दलित चेहरा दिया है और पहला दलित मुख्यमंत्री बना है, और एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देश में हो रही है पिछले कई वर्षों से, मायावती के कार्यक्रम में हम देख चुके हैं, हम और सारे सुशील कुमार। चलिए जल्दी से सीटें अब दिखा देते हैं अग्निहोत्री जी, थोड़ा सा थम जाइए क्योंकि हमारे दर्शक इस वक्त सीटें देखना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहला ट्रैक्टर लाइए विक्रांत गुप्ता, बताइए वो तो वही है डिफेंडिंग चैंपियन कांग्रेस, चन्नी साहब आगे 19 से 31 सीटों पर अटक रही है कांग्रेस पार्टी 19-31, और सरकार नहीं बनती हुई दिख रही है इन अनुमानों के मुताबिक। चन्नी साहब के ट्रैक्टर में अगर 19 से 31 पर कांग्रेस पार्टी अटक जाती है तो नहीं बन रही है चन्नी की सरकार, और इसके लिए कौन कौन है जिम्मेदार इस पर चर्चा बाद में होगी। इसका अगर हायर स्केल लें 31 लें तो क्या इनका चांस बनेगा किसी का अलायंस का? नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, देख लेते हैं। ये लीजिए अलायंस आ गया आपका बीजेपी प्लस, अमरिंदर सिंह जी ने ट्रैक्टर जो है बड़ा लेट पकड़ा, चला नहीं अच्छा पाए, 1 से 4 सीट। देखिए ये बताता है कि पार्टी और संगठन भी बहुत बड़ी चीज बचा लेंगे। अगर एक शख्सियत की करिश्मे पर कोई जीत लेता ऐसे परिवर्तन, ये अगला आ गया, बादल का जादू भी नहीं चला, बादलों का जादू भी नहीं चला, 7 से 11 पिछली बार से भी कम। उस पार्टी की तरफ जिसमें वोट प्रतिशत में जो सबसे ज्यादा है, देखते हैं कितनी सीटें हैं। अगर 41% वोट्स मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान हमेशा भगवा पगड़ी लगाते हैं और भगत सिंह की ये देखिए ऑलमोस्ट कांग्रेस 2017 वाला चप्पल, 2017 में जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही थी 76 से 90, ये बड़ी खबर हमारे अनुमान के मुताबिक। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बन रही है अगली सरकार, भगवंत मान बनेंगे अगले मुख्यमंत्री अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं। याद रखिए ये इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल है, ये हमारा अनुमान है, नतीजे 10 मार्च को आएंगे, उसका आपको इंतजार करना होगा, लेकिन अभी जो अनुमान हमारा है वो बना रहा है भगवंत मान को अगला मुख्यमंत्री। बहुत वहां की विधानसभा में शायरी कविताएं तो बहुत होंगी, कैसे वो संभाल पाएंगे पंजाब को, इस सब पर नजर रहेगी। कटाक्ष भी होंगे, कटाक्ष भी पंजाबी में अगर आप शायरी और ये सब करते हैं तो कटाक्ष भी बहुत मारते हैं आप। देखिए किसानों का मुद्दा वहां पर बहुत हावी था, कांग्रेस इसको पंजाब में नहीं भुना पाई। लेकिन आपको लगता है आम आदमी पार्टी सिर्फ किसान के मुद्दे से जीता होगा? नहीं, मैंने जो कहा आई थिंक कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह था वो, और दूसरा ये कि जो सिक्योरिटी लैब्स वाले प्रधानमंत्री और चरणजीत चन्नी का वो जो एपिसोड था वहां पर, मुझे लगता है कि जो हिंदू वोटर था कांग्रेस से वो छोड़कर उनके पास चले गया। जल्दी से गोला बता दीजिए आम आदमी पार्टी, लीजिए आम आदमी पार्टी जी वोट परसेंटेज 41 और 76 से 90 सीटों का अनुमान है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, थोड़ी हैंडराइटिंग मजबूत वाली है वैसे। कुल मिलाकर भगवंत मान की अगली बन रही है सरकार। मुद्दा क्या था प्रदीप गुप्ता जी, किन वजहों से आपको लगता है सबसे ज्यादा अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को बदलाव था मुद्दा, किसानों के मुद्दे को कांग्रेस पंजाब में नहीं भुना पाई,
जो हवा उन्होंने पूरे देश में खड़ा की थी और बीजेपी से क्षेत्र है, क्योंकि ये प्रचंड बहुमत, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी सरकार बनाई थी, ऐसा लग रहा है पंजाब में उस चीज को रिपीट कर रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। राघव चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रदीप जी जल्दी से। सबसे बड़ी चीज परिवर्तन लहर बहुत जबरदस्त एक कारण। दूसरा कारण जो है पंजाब को देखें तो मालवा डोआब और माझा रीजन होता है। शुरू से आम आदमी पार्टी 2014 जनरल इलेक्शन से जो है चार, सर मालवा का नंबर बताइए जल्दी से। मालवा में 69 यानी कि 69 सीटें हैं। 69 में से आम आदमी पार्टी जो भगवंत मान वहां से आते हैं और जो सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान को, वहीं पर असली अंतर आ गया और उसमें से 63 सीटें, यानी 63 सीटें। पिछली बार चड्ढा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा जी, एक सेकंड सर, राघव चड्ढा से जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। राघव चड्ढा जी, मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से ही हमें पता चल गया भगवंत मान है, लेकिन क्या माने कि एक महत्वपूर्ण मंत्री से पंजाब के इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुमान के मुताबिक आपकी सरकार बन रही है। राघव जी, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन लड़वाने तक की थी और कोई जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई है। और मैं आम आदमी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी जीत पंजाब के लोगों की हुई है और ये दिखाता है। ये आपका एग्जिट पोल, मैं आंकड़ों जो सीट का फिगर है वो तो 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन एक बदलाव की लहर पूरे पंजाब में थी और आपका एग्जिट पोल ये दिखाता है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसे दिल्ली में ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल पे पंजाब के लोगों ने भी मोहर लगाई और कहा हम भी वही दिल्ली मॉडल की गवर्नेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। राघव जी, लेकिन एक सवाल है इसी के साथ, 76 से 90 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी के लोगों से लगातार पूछा जा रहा था कि आपका आंतरिक सर्वे क्या कहता है, जरा बताइए, आप लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, क्या यही आंकड़ा आप लोगों का भी था? क्योंकि बहुत इसको प्रचंड जीत कहेंगे अगर 76 से 90 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आती है पंजाब में। तो देखिए हमारा अंदरूनी आंकड़ा क्या था वो मैं 10 तारीख को आपके चैनल पे बताऊंगा, मैं आपको वादा करता हूं, आज मत पूछिए। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब जीतती है जो आज आपके एग्जिट पोल से नजर आ रहा है, उससे दो तीन चीजें साफ तौर पे सिद्ध हो जाती हैं। पहली चीज, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को स्वागत किया है दिल्ली के बाहर के एक और सूबे ने, यानी कि पंजाब ने। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी या फिर राघव, एक काउंटर क्वेश्चन है, सबसे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस या जो कांग्रेस मॉडल ऑफ इनफाइटिंग थी उसके खिलाफ वोट हुआ? देखिए अंजना जी, इलेक्शन कई मुद्दों पे होता है। मेरा अपना सेंस है, मैं करीब करीब एक सवा साल ग्राउंड पे था पंजाब में अपनी पार्टी की ओर से सह प्रभारी के तौर पे। एक बदलाव का मूड पहले दिन से नजर आ रहा था लोगों के मन में, था कि भाई बीते 50 साल में हमने 26 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 24 साल हमने अकाली दल की, 26 कांग्रेस, 24 साल अकाली दल, 50 साल में इन नेताओं ने पंजाब को लूट लिया, हम सबकी जिंदगी बद से बदतर कर दी। तो एक बदलाव का माहौल पंजाब में था और कोई भी चुनाव होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर कांग्रेस इन फाइटिंग, उनका आपसी लड़ाई झगड़ा भी एक फैक्टर होता है, उसके अंदर किसानों का जो रहा वो भी एक फैक्टर होता है, हर चीज एक फैक्टर प्ले करती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो मुझे नजर आ रहा है इंदिरा जी, वो ये है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा स्पीड पे, फास्टेस्ट स्पीड पे बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो आज एक राष्ट्रीय स्तर पे, संजय जी से कमेंट मुझे लेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिहाइंड द सीन रियल पावर सेंटर राघव चड्ढा, बिल्कुल, और आपने मंत्री का मुझे बताया भगवंत मान। अरे त्रिवेदी जी, आप यकीन नहीं करिएगा, जब पंचायत हम लोग कर रहे थे पंजाब में चंडीगढ़ में, तो चन्नी साहब भी जिसे देखिए वो अपनी बात भूलकर पहले राघव जी पर ही फोकस करता था और राघव चड्ढा की ही बातें वहां पर स्टेज पर हम लोग तीन तीन चार चार मिनट तक करते थे, पूरे पैर जमाए हैं वहां पर राघव चड्ढा ने। मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला कि कोई बड़े मंत्री वहां पर करने वाले हैं। लेकिन जल्दी से संजय जी से, मैं लौट रही हूँ राघव, जल्दी से संजय जी से एक कमेंट ले। संजय जी, किसानों का मुद्दा, पंजाब के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने, तमाम पार्टियों ने उठाया, लेकिन अगर पंजाब भी फिसल गया हाथ से तो ये तो बड़े संकेत खतरनाक है। इन फाइटिंग, अंदर की लड़ाई, शीर्ष नेतृत्व का कमांड में नहीं होना, ढील मूल रवैया, ये सब भारी पड़ेगा कांग्रेस को। संजय जी,
ठीक है, अभी तो ये एक अनुमान है और इस अनुमान के आधार पर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट या वक्तव्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आम आदमी पार्टी एक तगड़ा मुकाबला दे रही थी और मुकाबले में थी, बहुत मजबूती सी थी, खुद वो जमीन पर हमको दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी कैंपेन बहुत अच्छा था। हाँ एक नुकसान दिख रहा था कि कैप्टन साहब के नेतृत्व में जो 4.5 वर्षों तक वहाँ सरकार ने काम किया था, वो सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लोग नाखुश थे। अब वो नाखुश इतने बड़े पैमाने पे थे, इतने बड़े पैमाने पे वोटों में तब्दील हो जाएगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ये हमको अंदाजा नहीं, अभी भी अंदाजा नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक, जल्दी से संजय जी ये बताइए, आपने कैप्टन साहब पर कहा कैप्टन साहब की सरकार का काम ठीक नहीं था, जबकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने स्वीप किया था कैप्टन साहब के नेतृत्व में और आम आदमी पार्टी साफ हो गई थी, तो क्या वजह थी? देखो ऐसा 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 है अग्निहोत्री जी कि ये पंचायत चुनाव में क्या मूड होता है, विधानसभा चुनाव में क्या मूड होता है, लोकसभा चुनाव में क्या मूड होता है, बिल्कुल सब अलग अलग होता है। कई स्टेट में आप विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते थे, अगली बार जब लोकसभा चुनाव होता है तो सारी की सारी सीटों पर बीजेपी जीत जाती है, तो कई चुनावों को एक नजरिए से एक पलड़े पर नहीं रखा जा सकता। मैं बता रहा हूं ये एक सच है। हाँ 111 दिनों में चन्नी साहब ने अच्छा काम करने का प्रयत्न किया, मुझे लगता है उनको शायद थोड़ा और वक्त मिलता और अच्छा काम करते तो शायद कांग्रेस पार्टी तो यही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी 28% वोट शेयर के साथ 19 से 31 सीटें यहां पर हासिल करती हुई, जबकि 2017 में उसका आंकड़ा 77 का था। ठीक है प्रदीप जी, बस मैं एक ही कमेंट करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने मालवा और माझा में तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन डोयाबा में जो हमारे अनुमान है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस को वहाँ 12 सीटें और दोनों पार्टी के बीच में जो वोट शेयर का अंतर है वो 27 आम आदमी पार्टी को और 37 जो है वो कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसा क्या हुआ कि डोएबा में आम आदमी पार्टी मैं कहूँ कुछ भी नहीं कर पाई और मालवा में सब कुछ कर गई? तो शायद संजय जी से ये सवाल पूछ लेते हैं। राघव जी पिछली बार भी आपका मालवा का प्रदर्शन शानदार था और इस बार तो 69 में से 63 सीटें, लेकिन जो सवाल यहाँ पर अनुमान जो सवाल यहाँ पर प्रदीप गुप्ता जी की ओर से किया गया है उस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए पिछली बार भी मालवा में हमारा प्रदर्शन माझा और द्वाबा इलाके के मुकाबले में बेहतर था, हमें कुल 20 सीटें मिली थी, बिल्कुल सारी की सारी हमारी मालवे से आती थी, एक शायद द्वाबे में आती थी, 18 मालवे में थी, एक द्वाबा में सीट थी, तो हमारा प्रदर्शन हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मालवा की पार्टी है, माझा और द्वाबा में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में भगवंत मान साहब की लीडरशिप में हमने पहले दिन से सारा काफी फोकस माझा और द्वाबा में भी किया और आज वो नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो भाग है पंजाब का वो मालवा है, 117 में से 69 सीट्स मालवे से आती हैं, और ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर भी मालवे में इलेक्शन लड़ते हैं पटियाले में, चरणजीत सिंह चन्नी का हल्का चमकौर साहब भी मालवे में पड़ता है, प्रकाश बादल सुखबीर बादल का लंबी और जलालाबाद भी मालवे में पड़ता है, भगवंत मान साहब का हल्का संगरूर भी और धूरी भी मालवे में पड़ता है। तो मालवे में कहा जाता है जो सारी जो मैक्सिमम सीटें ले जाता है सरकार उसकी बनती है, और आज कहीं ना कहीं आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है कि मालवे में तो लगभग सारी सीटें हमारे दर्शकों के लिए बताइए आखिर वो कौन सी वजह रही कि मालवा में तमाम बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के आते हैं उसके बावजूद वहां पर भगवंत मान का अरविंद केजरीवाल का जादू चल गया? नहीं शुरू से मालवा जैसे बताया राघव चड्ढा ने कि मालवा में उनका वर्चस्व रहा है, उन्होंने मेहनत की 14 से लेकर 22 आ गया तो 8 सालों की मेहनत हो सकती है, लेकिन सवाल यह आता है कि डोयाबा में क्यों मेहनत नहीं हो सकती जब मालवा में हो सकती है? मालवा का जो प्रोफाइल भी है ना उसको भी समझना पड़ेगा। मालवा का प्रोफाइल पूरा किसान किसान और डोयाबा में किसान है और जो जो ये फ्री वाला मामला भी तो चल जाता है ना राघव जी का कई जगह पर, अब मैं बोलूंगी फिर वो गुस्सा जाएंगे, लेकिन वो फ्री वाला मॉडल जो आपने सबको अब सिखा दिया है, अब आम आदमी पार्टी इसमें लेकिन सबको आपने वो लत लगा दी है, अब सबने खून चख लिया इसका कि फ्री वाला माप ऑफर कीजिए और फिर आपको लोग मिल जाते। दो छोटी सी चीज, एक तो मैं प्रदीप जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो जैसे आपने मालवा में प्रदर्शन देखा है हम द्वाबा में भी सारी सीटें ले जाएंगे, हम खूब मेहनत करेंगे अगर हमसे द्वाबे में कम मेहनत हुई है तो। दूसरी चीज जहां तक फ्री की बात कर रही है अंजना जी, मैंने आपके मंच पर भी जब आपने पंचायत कार्यक्रम किया था चंडीगढ़ में मैंने बताया था
स्कीम है अरविंद केजरीवाल जी की, वो हर व्यक्ति के लिए सोशल नेट बनाना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आपको अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और सुविधाएं मिलेगी, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी सुविधा मिलनी चाहिए। और आपके मंच पे हमने देखा था, एक मंत्री बैठे थे उस समय पंजाब सरकार के, उन्होंने बोला कि उनको महीने की कोई 5,000-7,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, लेकिन एक आम आदमी को अगर अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो इन सारे नेताओं के पेट में दर्द होता है। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको कम से कम 300 यूनिट बिजली, कुछ पानी, अच्छी वर्ल्ड क्लास शिक्षा, बढ़िया इलाज, मोहल्ला क्लिनिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, ताकि आप अपना जीवन सम्मान से जी सके। जल्दी जल्दी राइट, ठीक है राघव जी, अभी तो ये अनुमान है, नतीजे आएंगे और फिर आप क्या क्या नतीजा आता है पंजाब को लेकर, दिलचस्प होगा क्योंकि आपने वहां पर बहुत मेहनत की है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी एक्सपर्ट से एक मैं कमेंट लेना चाहती हूँ। शिरोमणि अकाली दल जी छोड़ा एनडीए क्योंकि किसान नाराज है, उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अब हमारा खेल यहाँ पर बहुत खराब हो जाएगा, हम बीजेपी के साथ टिके रहे, लेकिन उस छोड़ने ने भी कुछ काम नहीं किया। अगर वो 7 से 11 में अटक कर रहे हैं, बीएसपी के साथ गठबंधन भी किया ताकि दलित वोट मिल जाए, मालवा में दलित वोट भी बहुत ज्यादा। मुझे लगता है शिरोमणि अकाली दल के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप पिछले सरकार के दौरान लगे रहे, और उसके बाद किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी उनका बहुत ही फ्लिप फ्लॉप रहा। छोड़ा तो उन्होंने, लेकिन एक तो देर से छोड़ा, उस कैबिनेट में भी वो लोग शामिल थे, हरसिमरत कौर जिसमें ये कानून बने थे, विरोध होने लगा तब छोड़ा। बिल्कुल, जब आखिर तक उनको लगा कांग्रेस इसमें आगे निकल गई, आम आदमी पार्टी आगे निकल गई, हो जाएगा हमारा, तब उन्होंने छोड़ा। और जो क्रेडिबल लीडरशिप प्रकाश सिंह बादल साहब की थी, वो सुखबीर बादल को पंजाब में नहीं दे पा रहे हैं सुखबीर बादल, ये सच्चाई है। जो जैसे देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का था, वह चौटाला तो फिर भी हरियाणा में बना ले गए थे सरकार, लेकिन प्रकाश सिंह बादल की जो साख और जो छवि और जो इज्जत थी लोगों में, वो सुखबीर बादल उस तरह का की साख नहीं बना पाए। पंजाब ने जो, त्रिवेदी जी, पंजाब ने क्या इस बार एकदम क्लैरिटी के साथ ये लिख दिया कि बदलाव चाहिए, वो इस पॉलिटिकल सिस्टम, अरविंद केजरीवाल का कौन सा मॉडल दिल्ली में चला, यही चला कि ये जो पारंपरिक पार्टियां हैं ये भ्रष्ट हैं, इनकी सोच सही नहीं है, एक न्यू पार्टी, नया नेतृत्व। भगवंत मान को आप सोचिए सीएम का चेहरा बना दिया, बिल्कुल ठीक बात है, नया चेहरा, नया बदलाव की जो है लगातार वो करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ समय पहले भगवंत मान जी को पार्टी से निकालने की चर्चाएं हुआ करती थी, हाँ, एक जमाने में, हाँ, तो वो भी है बात। लेकिन सुखबीर, कितने वीडियोस वायरल किए गए जो वो कई बार इनेब्रिएटेड स्टेट में दिख रहे हैं, उन वीडियोस में उसको खूब वायरल किया गया जी। लेकिन अभी बता दें, अनुमान है, ये अनुमान है। और बादल साहब का जो है, जैसा विनोद जी ने भी बात कही, प्रकाश सिंह बादल का जो नेतृत्व था वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को मत भूलिए, आप इग्नोर मत कीजिए, उनका जो हिंदू वोट है 7%, वो उसके साथ मिलके एक बड़ा एक कॉम्बिनेशन बनाता था। ये जो आपका प्रोग्राम चलता है ना सुबह, 1 और 1 11, तो 1 और 1 11 भी होते हैं और 1 और 1 अलग हो जाते हैं, तो 1-1 रह जाते हैं। वही हुआ है, सीधे प्रदीप जी, एक सवाल की बात हो रही है, एमएस खान साहब का सीधे हम लोग कर लेते हैं। एमएस खान साहब, बड़े बड़े दावे तो आपकी ओर से किए जा रहे थे, देखिए शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहां पर, जो आंकड़ा है 19% वोट शेयर और 7 से 11 तक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ देर पहले आपने कहा था हम तो सरकार बना रहे हैं भाई पंजाब में, निकलता हूं क्योंकि दूसरा काम है। चलिए अभी दस्तावेज आने दीजिए ना, हाँ। ये तो अनुमान है, अभी इस अनुमान पे तो बोलिए ना, अभी इसी अनुमान पे अनुमान पे मैं कुछ नहीं कहता, मैं ये एग्जिट पोल पे को विश्वास नहीं करता। प्रदीप जी, मैं एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता, प्रदीप जी इसका ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब देंगे करता, मैं एग्जिट पोल पे इसलिए कि पूरे जिस देश में, जिस प्रदेश में आप एग्जिट पोल करते हैं, गांव तक देहात तक तो पहुंचते नहीं आप, कुछ लोगों तक पहुंच के आपने ले लिया, उनसे राय ले लिया, तो गांव देहात तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं आप, हाँ, आपका जो पूरा सिनेरियो है, जिस आप स्ट्राटा को छूते हैं वो सब बता दीजिए। देखिए, हम लोगों की जो मेथोडोलॉजी है वो बड़ी सिंपल है, रूबरू होके, फेस टू फेस जिसको कहते हैं, सभी 117 सीटों पे चुनाव होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, यानी जिस मात्रा में जाति उपलब्ध है, जिस मात्रा में एज ग्रुप है, जिस मात्रा में जेंडर है, महिला पुरुष है, उसके साथ हम आकलन करते हैं, रूबरू बात करते हैं, और जो डेटा आता है उसके आधार पर हमने ये प्रिडिक्शन ट्राई किया। दो बड़ी बातें ऐसी क्या रही जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गई हैं? दो बड़ी बातें कहें तो, परिवर्तन की लहर की जो सबसे बड़ी वजह है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वेरी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी, और जैसे ही चन्नी साहब को सीएम बनाया गया, तो मेरा विश्वास मानिए, हम लोग जो ट्रैकर करते हैं, ये जो सीटें दिख रही हैं करीब 75 से 90, वो कांग्रेस की आती दिख रही थी,
शुरू के एक महीने, शुरू के 30 दिन, जब से चन्नी साहब सीएम बने, आप ये मान लीजिए कि इतनी जबरदस्त परिवर्तन की लहर, परिवर्तन, पहले ऐसा लग रहा था कि कैप्टन के साथ तो पूरी की पूरी कांग्रेस डूब चुकी है। उस समय ऐसा लग रहा था शायद आम आदमी पार्टी 100 सीटें भी ला ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे चन्नी साहब एक दलित चेहरे को सीएम बनाया गया, पूरा का पूरा परिवर्तन जिसको आप अपसाइड डाउन कहते हैं वो हुआ। और उसके 30 दिनों के बाद से जो ये 32% दलितों का वोट गया कहां पर है? भगवंत मान का चेहरा। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने देखिए लास्ट मिनट पे भगवंत मान का मजबूरी में किया, शायद उनको ये पता हो कि परिस्थितियां उनसे दूर जाती दिख रही हैं, जो कि पिछले चुनाव में 17 के चुनाव में थी। रह गई बात दलित वोट की, तो दलित वोट जो है सिख और हिंदू, हिंदू ने बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के फेवर में वोट किया और सिख एससी दलित ने आम आदमी। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है जो एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा है। आम आदमी पार्टी प्रचंड तरीके से पंजाब में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि भगवंत मान बन सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन अभी ये अनुमान है, 10 तारीख को चुनावी नतीजे जब सामने आएंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन यकीनन इस आंकड़े ने आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को जरूर सामने रखा है।